आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबी की बहुत ही मजेदार सूखी सब्जी की रेसिपी। इस तरह से एक बार बना लोगे ना तो पुराने सारे तरीके भूल जाओगे, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कीजिए, रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आरबी। तो मैंने पहले आरबी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अभी क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और चाकू में भी इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। तो ऑयल लगाने से इचिंग नहीं होता है। तो अभी एक आरबी को लेंगे और इस तरह से आरबी का जो छिलका है ना, इसको हटा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक आरबी को अच्छी तरह से छील लिया है। तो इस तरह से बाकी आरबी को भी इस तरह से छील लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने आरबी को अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद मैंने दो तीन बार अच्छे से वॉश भी कर लिया है और वॉश करने के बाद कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अभी इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में आरबी को कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो गोल गोल टुकड़ों में भी इस तरह से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे आरबी को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, इसको रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने पहले से ही ऑयल को डाल के रखा है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे सारे आरबी को। और आरबी को डालने के बाद आरबी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि आरबी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2-3 मिनट तक अच्छे से आरबी को फ्राई कर लिया है। अभी क्या करेंगे, ढक्कन से ढक कर रख देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और 5 मिनट तक आरबी को अच्छे से कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और आप लोग देख सकते हैं आरबी जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और थोड़ा कुक भी हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, सभी आरबी को निकाल लेंगे प्लेट पे। अभी फिर से एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना साबुत जीरा और डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना अजवाइन। तो आरबी की सब्जी में अजवाइन डालना बहुत ही ज़रूरी है। और अजवाइन डालने के बाद इसमें डाल देंगे हींग। तो मैंने यहाँ पे 1 पिंच हींग डाल दिया है। और अभी सभी मसाले को हल्का सा थोड़ा भून लेंगे और मसाला जैसे ही भून जाए इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो डाल देंगे। और प्याज को डालने के बाद अभी प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट और इनको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अदरक लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर और उसी के साथ इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। और इन सभी मसाले को डालने के बाद अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे और मसाले ना जले इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भूनने देंगे। तो अभी देख सकते हैं मसाले ने अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है, यानी कि मसाले अच्छी तरह से भून चुका है। और अभी इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ आरबी को। और आरबी को डालने के बाद इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और डाल देंगे 1 चम्मच सब्जी मसाला, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इन सभी मसाले को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें डाल देंगे 1 कप जितना पानी और थोड़ा मिक्स कर लेंगे और ढक्कन से ढककर रख देंगे गैस के फ्लेम को मीडियम पे रख के 10 मिनट के लिए। और बीच बीच में इस तरह से ढक्कन को हटाएंगे और थोड़ा सा चलाएंगे ताकि नीचे से लगे ना। तो इस तरह से बीच बीच में ढक्कन को हटाते रहना है और चलाते रहना है ताकि नीचे से जले ना। और फिर से ढक्कन से ढककर रख देना है। तो अभी फिर से ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आरबी जो है वो पूरी तरह से पक चुका है। तो इसमें डाल देंगे हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आरबी जो है वो पूरी तरह से पका है या नहीं। तो इस तरह से एक आरबी के टुकड़े को लेंगे और इस तरह से फोक की मदद से दबाते हुए इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरबी जो है वो पूरी तरह से पक चुका है।
तो इस अरबी की सूखी सब्जी के साथ मैंने दाल चावल बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से बनाकर खाने से आप रोटी के साथ भी इस अरबी की सूखी सब्जी को खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।